a real life superhero. First comes our Prophet Muhammad, then his companions like Abu Bakr. Let me teach you about more. तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं काफ़ी दिनों बाद वापस से अपने चैनल पे आ चुका हूँ। बहुत दिनों बाद अगर देखा जाए तो कितना दो टाइम ही हो गया ना। एक बर्थडे का ब्लॉग डाला था 12 जनवरी को। सो गाइस, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपने चैनल पे और बहुत दिन हो गए, मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिन हो गए है वीडियो ब्लॉग नहीं अपलोड किया हूँ। तो अभी सब प्लान कर चुका हूँ मैं क्या कैसा करना है, तो बस मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ थोड़ा बहुत, कि जो मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को। सो गाइस, पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा दूर से सारा दिखा दो गाइस। जैसे मैं ऐसा सेटअप बना रखा हूँ और ये मेरा सेटअप है, देख सकते हो। अभी एग्जाम हमारा ख़त्म हो गया है, तो इसको जैसा बाकायदा एक अच्छे तरीके से ब्लॉग हमारा आएगा। हाँ, खूब तगड़ा वाला ब्लॉग आएगा, ऐसे नहीं है। अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा कंटिन्यू, और हमारा एग्जाम तो खत्म हो गया गाइस, बस रिजल्ट अभी आना बाकी है। बस इसी की वजह से हम वेट कर रहे थे कि जैसे रिजल्ट हमारा आएगा ना, फिर स्टार्ट हो जाएगा बनाना। थोड़ा थोड़ा चलते हैं, इसको थोड़ा फिट कर लेता हूँ गाइस इसको। और अगर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, कि हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, विनोद के भी हमारे साथ और हमारे हॉस्टल वाले लड़कों के भी साथ, जैसे रिजवान वगैरह। तो देख सकते हो गाइस, हम लोगों ने सुबह क्या किया, हम लोगों ने 7 बजे उठ के गाइस, और जो लोग खाना वगैरह बना लिया था, रोटी वगैरह, और इधर दिखा दूँ सब, मतलब रेड कट उठ चुका था गाइस, नहा भी लिया था गाइस मैंने, सारा रेडी हो गया था गाइस हम लोगों ने। और फिर क्या हुआ कि भाई छुट्टी हो गई हमारे कॉलेज में, भाई कितना मूड ख़राब होना क्या बताऊँगा। विनोद, तुम्हें कैसा लगा था बताओ जब पता चला? तो कैसा लगा था सुबह सुबह आपने उठ के? और सुबह में गाइस, मैं 7 o'clock में उठ गया था, मुझे कॉलेज जाना था, तो पता चला कि सुबह में छुट्टी है। मैम ने मैसेज किया सुबह में छुट्टी, और हम लोग नहा धुल के रेडी हो गए थे गाइस। और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ आज। हाँ, रिजवान तो रेडी हो गया था ठंडे ठंडे पानी से नहा के, और हम लोग तो नहा धुल के फ्रेश हो गए कॉलेज के लिए। हम लोगों तो बस खाना वाना खाना था, हम लोगों तो भाई खाना बना लिए थे। हाँ, बहुत काम करना था, कॉलेज भी जाना था गाइस। देख सकते हो हमारा रूम भी क्लीन नहीं है, आज पूरा छुट्टी है तो इसलिए क्लीन करना है, और मैम भी छुट्टी दे दिया, ऑनलाइन क्लास है। तो गाइस देखा, विनोद ने भी, उसको भी बहुत बुरा लगा, यानी हॉस्टल में सबको बहुत बुरा लगा गाइस, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के यार, और खाना वाना वगैरह बना लेना आले, तो बहुत मूड सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। तो सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए गाइस, सही पकड़ यार, कमन में सुबह सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, और मेरा परसों कितना तारीख का एग्जाम खत्म हुआ हम लोगों का? 7 तारीख को गाइस हमारा एग्जाम खत्म हुआ, और उसके सुबह से कॉलेज चलने लगा, इसी वजह से टाइम नहीं मिला, तो मैं कब का बना लेता ब्लॉग। और गाइस देख सकते हो हमारा रूम कुछ इस तरह का फैला हुआ है, कुछ कूड़ा का चाड़ा, मतलब साफ वाफ नहीं किया है, टाइम ही नहीं मिला गाइस, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। इधर दिखा दूँ सब, बुक वगैरह भी वैसे के वैसा रखा है। तो बस अभी यही प्लान है गाइस, कि थोड़ा क्लीन व्लीन करेंगे, क्योंकि कॉलेज तो जाना नहीं है, और ब्लॉग तो अब आएगा, बस ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सो गाइस, मैं ब्लॉग के बारे में थोड़ा बता दे, तो थोड़ा बाहर चलते हैं, आ जाओ। तो गाइस थोड़ा बाहर चलते हैं, अच्छे क्वालिटी के लिए, अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए आ जाओ बाहर, यहाँ पर क्वालिटी अच्छा मिलेगा। सो गाइस, अभी मेरा प्लान है ना थोड़ा बहुत लाइफ ब्लॉग बनाने के लिए, मतलब डेली लाइफ वाला, तो सोच रहा हूँ कि बस अभी बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरा कहीं ट्रैवल का प्लान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि करूँ थोड़ा दिनों बाद, अभी तो टाइम नहीं है, सही पकड़ लिया मोबाइल लिया। सो गाइस, अभी कुछ प्लान नहीं है, तो हम यही करने वाले गाइस। और देख सकते हो गाइस, सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और वैसे तो हम डेली उठते हैं, बट आप देख सकते हो चारों तरफ का सीन। सो गाइस, यही सब हो रहा है गाइस हमारे लाइफ में, अभी रिजल्ट भी आने वाला है 2-4 दिन में, तो उसका भी ब्लॉग डालूंगा। तो गाइस बस यही है कि अब मैं डेली ब्लॉग, और हाँ देखो गाइस, ये मैं कल वो बनाया था दाढ़ी विनोद का, तो उसी का है। सो गाइस, अब से डेली ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ आप लोग जितना हम मुझे सपोर्ट करते थे, जितना लोग देखते थे, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग कर देखा करो गाइस, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। सो गाइस, मेरा थोड़ा डेली लाइफ के बारे में ब्लॉग आएगा, अभी टाइम नहीं है ना, इसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही कॉलेज से छुट्टी मिलेगा, मैं उसे जाऊँगा बाहर। बट अभी जो है ना, ऐसे ब्लॉग आएगा, लेकिन मस्त मस्त बनाऊँगा गाइस, तो आप सपोर्ट करते ना ऐसे ही, जैसे आप पिछले ब्लॉग में करते थे। और गाइस बताओ कि आप लोगों को, मतलब इतना दिन बाद में मिल रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस कमेंट बॉक्स में। आ जाओ विनोद कुमार वर्मा। तो गाइस अभी यही सब प्लान किया हूँ, कि थोड़ा बहुत डेली लाइफ का ब्लॉग आएगा, और उसके बाद कॉलेज वगैरह जाएंगे, तो उसका भी ब्लॉग डाल देंगे, और जो है जैसे जैसे होता है गाइस, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, लेकिन अब जो है ना, तो कंटिन्यू ब्लॉग आएगा हमारा। और मैं आपको अपना सेटअप, पुराना सेटअप दिखा देता हूँ, आ जाइए इधर, देख सकते हो गाइस, ये मेरा पुराना सेटअप जहाँ पर मैं डेली बैठता हूँ, पुराना नहीं, अभी भी वैसे ही है, हमेशा यहाँ पर आकर, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे यहाँ पर आकर, और शाम के टाइम असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर बैठ कर भाई आराम से एंजॉय करता हूँ, और पढ़ता हूँ कुछ किताबें वगैरह, और यहाँ से मतलब मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता है गाइस, मेरा पुराना, जब से मैं इस रूम पे आया हूँ ना, जब से मैं यहाँ पर हमेशा आता हूँ, बैठता हूँ, और यहाँ से देखो गाइस कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, सब ये सब देख सकते हो गाइस, है बेंगलोर, ग्रीन सिटी ऑफ बेंगलोर, और ये सब यहाँ पर देख सकते हो गाइस, घर वगैरह बन रहा है,
ऐसा हम भी बनाने वाले हैं हम विनोद मिलके। और गाइस यही सब बताने के लिए मैं आया था, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस आपसे ना मैं बोल रहा हूँ कि भाई कि मैं कंटिन्यू काम करने वाला हूँ अपने यूट्यूब पे कंटिन्यू। गाइस आप यकीन नहीं करोगे ना, लेकिन कंटिन्यू आऊँगा मैं। तो आप जिन लोगों ने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं देखते, थोड़ा बहुत देख लिया करो गाइस। तो विनोद का भी एक चैनल है, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हार्डेस्ट मोटिवेशन, यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उसको सब्सक्राइब कर देना जाके, हार्डेस्ट मोटिवेशन के नाम से चैनल है। और एक फिटनेस पठान का भी चैनल है, फिटनेस पठान को जाकर सब्सक्राइब करिए। वो 2 साल से गाइस बॉडी बना रहे लेकिन बन नहीं पा रहा है, क्या करें, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, तो ताकि वो अच्छे से प्रोटीन ले पाएँ, उस पैसे से यूट्यूब के पैसे से अच्छे से जिम खोल पाएँ तो आएगा। तो सब्सक्राइब कर देना इस दोनों चैनल को। और विनोद भी अपने चैनल को नाम बता दे रहा है एक बार अपने मुँह से। सो गाइस मेरे चैनल का नाम है हार्डेस्ट मोटिवेशन, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिए हार्डेस्ट मोटिवेशन को गाइस। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बस इन्फॉर्मेशन वीडियो में आ गया, ये कोई ब्लॉग नहीं था। और सुबह सुबह तो हमारा वर्ड लग गया, पॉपट हो गया बहुत बुरी तरीके से यार, लेकिन चलो ब्लॉग तो बन गया कम से कम सुबह, नहीं तो मैं वैसे भी बना नहीं पाता सुबह ब्लॉग, तो स्टार्ट तो हो गया गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कैसा क्या ब्लॉग आ रहा है। बट आप लोग सपोर्ट देंगे गाइस, जितने भी ब्लॉग डालूंगा थोड़ा बहुत प्ले करके लाइक कर दिया करना, अभी स्टार्टिंग है तो आप लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग नहीं है मेरा, बहुत पहले से स्टार्ट है, बट हाँ जो भी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।